बिहाने 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 अरे पकल पकल हम है दशहरी हो पाकल पाकल आम है दशहरी हो हमरा नीक लागे होली है हमारी हो हमरा नीक लागे होली है हमारी हो हमरा नीक लागे होली है हमारी हो हमरा पहले जल्दी से नमस्कार कर तब आगे के बातचीत होई। हम अजीत आनंद के सब कोई के प्रणाम बा और सभी दर्शक लोग के विजया भारती के नमस्कार बा बिहाने बिहाने कार्यक्रम में और रोवा सबसे आगे बातचीत करब जरा इनकर खबर ली कहाँ इनका देर भइल बा हमरा ई बतावा कि तरह इतना देर कैसे भइल भोरे भोरे। अरे भौजी सवेरे सवेरे चल गनी है बिहने बिहने आम तोड़े खातिर हमरा कितना खराब लागत रहे दर्शक सब के इंतजार देख करते देख। अच्छा तो हम एक खातिर क्षमा चाहतनी सब लोग से भौजी से क्षमा चाहतनी आ देखो है तारा खातिर ना पहले ही बतावा तार पेट उठ ठीक बा ना। अरे पेट ठीक बा तार आशीर्वाद बा तार दुआ बा के पेट आ मिजाज दोनों ठीक बा हमरा। तो गई रह कहाँ खेत कोड़े खेत ना कोरे दस बेर तरह से पता नहीं आम तोड़ के ले आई बनी आ देखा है आम है ई आम है दशहरी आ खैबू तो मन एकदम हो जाई हरी हरी ई बात देख के हाथ में देख ई कैला तू बहुत बढ़िया काम जे ले ला तू आम आ सही करबा काम तब बढ़ जाई तहार दम। ये भौजी तहर हम बुझौल ना बुझनी का कहतरु दाम ते ए बउवा कहे के मतलब ई बा कि आम पियराला तो कर दाम बढ़ जाला आ जब देवर कुंवर रहेला ना तब भौजी के इनाम बढ़ जाला। एहे भौजी बता देते हैं तारा सके ये आम से तुलना हमर कर तरु आ बाबूजी माई अगर ई बात सुनी लो तो बड़ा उलो को दुख होई। ई बात से दुख ना होई उनका खुशी होई। खुशी कौन चीज के खुशी ये चलते होई कि उनकर बुद्धि खुल जाई कि जितना पैसा खर्चा कैलन वो लोग तहरा खातिर पढ़ावे लिखावे के कोशिश में अच्छा इतना खर्चा अगर भई रहित आम के बगीचा में तो सालाना खूब पैसा आई। ओ एकर मतलब कि अब हमार अमो से भाव घट गई बा ना अमो से भाव हमार कम हो गई बात वो नहीं है ए राजा बाबू माल बात ताल बा ना तो देहिया हार बांस के जाल बा। अच्छा चला अब लफड़ा बात मत बढ़ाव तू हार के जोन हाँ भाई तारा से हारे के पड़ी हमरा अब ई जोन हार मास के जाल बाचल बा उकरा के और ठीक ठाक से रखे खाती हमने के पहले बहुत जरूरी बा तहरा खा दे पहले हमने के सब दर्शक लोग के साथे देखा तनी सा योगा योगा बयाने बयाने देखे सभी लोगों का हमारा बहुत बहुत नमस्कार। आज एक हम ऐसा विषय लेते हैं जिसमें तुतलाना हकलाना तुतलाना हकलाना यानी कि दो कारण होला पहला मनोवैज्ञानिक कारण दूसरा होला शारीरिक कारण। जनरली कहा देखा जाला अगर आपके तुतलाना हकलाना की प्रॉब्लम है बच्चे में तो कहा समाज के सामने ना आए उनके का करे के चाहे जिनके भी प्रॉब्लम हो उनके हमेशा मिरर के सामने शीशे के सामने जो भी आप बोले चाहते हो आपके बोले के चाहे रोज़ प्रैक्टिस करे के चाहे सिंगिंग गाना आपके गाने की जरूर प्रैक्टिस करे चाहे वो बहुत लाभप्रद होला। उसके अलावा हम योग के कुछ आपके क्रिया बताते हैं ये क्रिया बहुत अच्छी है। इमन पहली क्रिया जो हम आपके बताते हैं वो कहलाला उज्जायश उज्जायक श्वास की क्रिया। इमन का करल जाला उज्जायश श्वास की क्रिया में आपको करल का जाला आप हालांकि सांस तो लिए नाक से लेकिन आप अपने गलकंठ के अंदर की ओर संकुचन करिए उसे का हुई एक आवाज़ आई वो कहलाला उज्जायश श्वास की क्रिया। तो आई करें उज्जायश श्वास की क्रिया इमन करल का जाला पद्मासन सुखासन में बैठ गए रहें आँख बंद होकर चाहे ओकरे बाद हम लंबा गहरा नाक से सांस भर और अपने गलकंठ के संकुचन करब आई करें जरा उज्जाय की सांस की क्रिया कहलाला उज्जाय श्वास की क्रिया। ये क्रिया जोन है जो गायक बने के चाहत सिंगर बने के चाहत उनके बदे ही रामबाण का काम करेगा उसके अलावा तुतलाना हकलाना अगर आपके प्रॉब्लम है वह दूर हो जाए। ये पर्टिकुलर क्रिया आपके 10 से 15 बार रोज अभ्यास करे के चाहिए। उसके अलावा दूसरा मुद्रा जो है आपके बताओ थी कहलाला योग में खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा यानी खे माने आकाश चरी माने विचरण
ये मुद्रा में का करल जाला, अपनी जिव्या के मोड़ के अपने तालू पे लगा जाला। जितनी देर आसानीपुर का रुक सके ना रुका, ओकरा अगर आप ना रुक पावत हो जौन सलाइवा जौन थूक होला ओके अपने हाथ में ला और अपने गले के मालिश करें। ये कहला खेचरी मुद्रा। आई करें खेचरी मुद्रा, आप देख लें जो जिव्या है ना एक ऊपर तालू में लगा के हो, लगा के बंद करके जब आपके लार मुंह में आ गए वो लार के हाथ में लें, अपने गर्दन में लगाएं। खेचरी मुद्रा भी आपके कम से कम रोज 15 से लेकर 20 बार एक अभ्यास करे के चाहिए। यह मुद्रा जो है ये तोतला हकलाट वास्ते बहुत अच्छी है, सिंगर वास्ते भी बहुत अच्छी है। उसके अलावा हम आपके बताओ थे तीसरी क्रिया कहला सिंह गर्जना आसन है। मन का करल जाला सिंह नुमा गर्जना करल जाला, जैसे शेर जंगल में गर्जना करेला वैसे हमके गर्जना करे के। मन का करल जाला दोनों पैर के घुटने से मोड़ के दोनों हाथ जो दोनों पैर में थोड़ा सा गैप हो जाए, दोनों जो हाथ रही हैं इस प्रकार से रही हैं, हमके हमारी जो जिव्या हुई जो जीभ हुई उसके बाहर निकाले के और आँख जो हुई हमके यहाँ देखे कोई काला आज्ञा चक्र और लंबा गहरा सांस लेके हमके लंबा गहरा सांस भरे के और शेर की गर्जना नुमा आवाज करे के। काला सिंह गर्जना आसन। ये जो आसन है उसके अलावा जो दो मुद्रा हम आपके बतौले हैं, अगर आप एक निरंतर अभ्यास करी हैं तो आप देखिए धीरे धीरे तुतलाना हकलाना का प्रॉब्लम हो वो दूर हो जाए। एक अलावा का देखा जाला कि भाई आप जिनके भी तुतलाना हकलाना प्रॉब्लम हो उनकी कोशिश करें कि चाहे लाउड लाउड ऊंचा ऊंचा स्वर में उनके हमेशा बोले के चाहे, उसे भी उनके बहुत लाभ लाभ हुई। अपने कॉन्फिडेंस आत्मसम्मान के उनके बिल्डअप करें के चाहे, आत्मसम्मान बढ़ाए के चाहे। सिंगिंग हम पहले बता रहे हैं आपके रोज गाना ना गाए के चाहे, उससे बहुत लाभ हुई। तो ये हम आपके बताऊँ योग के कुछ आसन कुछ क्रियाएँ, अगर आप इनका निरंतर अभ्यास करें हैं तो आप पाइए धीरे धीरे आपको जो समस्या है तुतलाना हकलाना जड़ से दूर हो जाए। अगले प्रोग्राम में हमारे एक बार फिर आपसे मुलाकात हुई, तब तक के आप सभी हमके एक बार फिर इजाज़त दें। आप सभी के हमारा बहुत बहुत नमस्कार। भौजी ई तरह योगा अब कौन कार्यक्रम होगा? अब कौन कार्यक्रम होगा? अब होगा भोजपुरिया गीत संगीत का टेक। प्यार राजा हा, प्यार रानी हा, प्यार इतिहास के कहानी हा, केहू परिभाषा ना दिहल एकर, प्यार त गंगा जी के पानी है। बड़ा प्यार करता रहन अपना मेहरारू से आ छोड़ दिल बड़ा ना छोटका भाई से भौजी कहतरी, बड़ा परेशान करतरी आ छोटका देवर परेशान होके आ लिखता चिट्ठी का लिखता कि रोजे पूछे लियो हमरा से कि यही है कि ना, रोजे पूछे लनु हमरा से कि यही है कि ना। ए भैया ए भैया ए भैया भौजी बेहाल बाड़ी तोहरे बिना, ए भैया भौजी बेहाल बाड़ी तोहरे बिना, रोजो पूछ लियो हमरा से कि यही है कि ना, रोजो पूछ लियो हमरा से कि यही है कि ना। ए भैया भौजी बेहाल बाड़ी तोहरे बिना, ए भैया भौजी बेहाल बाड़ी तोहरे बिना। क्या बात भाई, अंतिम के जौन तांग रहे उतौन तो भैया तक पहुंचिए गई होई का जी। और रउआ सभी के बताएं कि आज अपन मजेदार गीत से शुरुआत जो कैलन उनका नाम है धर्मेश जी, भोजपुरी लोक गायक। इनकर जलवा तो रउआ देखिए ले रही और हम अपना तरफ से रउरा सब के तरफ से और अपना देवर जी के साथ साथ मिलके इनकर अभिनंदन करता नहीं बिहाने बिहाने प्रोग्राम हम सबके सादर प्रणाम करता नहीं। धर्मेश भैया हम इतना दिन से अपना भौजाई के परेशान कर रहे नहीं कि हमरा धर्मेश भाई के प्रोग्राम में बुलावा बड़ा मजेदार गावे ले आ हमरे टाइप बड़े वो ऐसन भौजाई के जरूर गाना आते हैं तो तहरा लेखा लफुआ के हुना होई। हाँ ई हम मान सके लेकर आज तहरा दोनों के गुटबंदी
के लक्षण बुझा रहे ना ना इनका और गुटबंदी वाला बात नहीं का भौजी कौन हो तब का ही भौजी काहे टारगेट पर पड़ी है चलो फिलहाल और आगे बढ़ाओ जाओ कार्यक्रम के धर्मेश जी अपनी प्रोग्राम के प्रकृति यह बा हंसी मजाक बिल्कुल एकदम सुबह सुबह के ताजा तरीन मूड एकरा साथे बातचीत गीत संगीत लेकिन एकरा से पहले हमारे दर्शकों लगन की इच्छा हुई और हमनियों की इच्छा बा कि राउर परिचय मिले जी अपना बारे में बताएं अपना बारे में हम बता दी कि बचपने से हमारा लोक गीत के गावे के प्रेरणा मिलल हमारा अम्मा से अम्मा गावत रहली जी हमार माई गावेली गनोली खेली जी का नाम बा उनकर श्रीमती सूचना देवी अच्छा जी तो बहुत अच्छा गाना उन्हें से सीखले बनी सरस्वती के बेटा शुरू से हमारे बचपने से गावे के शौक रहा लेकिन धीरे धीरे आके प्रोफेशन बदल लिया पारंपरिक गीत गावनी और पारंपरिक गीत में जैसे देवी गीत बाकी रुआ सब जानते बनी मतलब पारंपरिक गीत गावल ज्यादा पसंद बा जी आज के समय में जो आधुनिकता के बयार में इधर उधर प्रदूषित गीत सब बा ओकर कोनो खास असर नहीं खेर ओरा पर ना ओकर खास असर ऐसे नहीं खे कि सबसे पहली चीज कि घर में अपन संस्कृति अपना माँ बाप से मिलेला और जब आप गांव के परिवेश में जाता नहीं तो जो उन समाज के देवता उन्हें समाज से मिली बहुत बढ़िया विचार जैसे हमने की बोब जाओ इसे ना तो काटो जाना बहुत बढ़िया विचार बा इस विचार के जरूरत बा आज के समाज में धर्मेश जी जो भोजपुरी समाज बा अलग अलग संगठन बा जी जी, जी। तो उनमें से कहीं अलग अलग कार्यक्रम के दौरान जो कुछ सम्मान के रौरा सम्मान के बात पता ना जी जी हाँ हाँ मिलल बा पूर्वांचल महोत्सव में हमके पूर्वांचल सम्मान मिलल बा जौन उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के तीनों जोन के डायरेक्टर बनी श्री भगवान शंकर जी आईएएस अधिकारी तो वह सब हमरा के बोलवले रहल प्रोग्राम में इलाहाबाद में नहीं पूर्वांचल में ये मऊ में मऊ जिला में और वहाँ हमके सम्मान मिले रहे पूर्वांचल सम्मान तो बहुत बहुत बधाई हम भी ताज पता लगा है का जी कौन टाइप के गीत रो पसंद बा ज्यादा गावल हालांकि पहले चर्चा भइल बा लेकिन बहुत बढ़िया सवाल धर्मेश दीक्षित के का पसंद बा बहुत बढ़िया सवाल रुगा के नहीं है अजीत जी और ये सवाल सबके साथ होके के चाहिए जो आजकल लोग गावता समाज में हम ज्यादातर कोशिश ये बा कि भोजपुरी के जो ओरिजिनल भोजपुरी हमनी के धरोहर बा जन संस्कृति बा ओके बचावल जरूरी बा लेकिन कहला में कैले में बहुत फर्क बा बाबू रुगो जानते बानी देखते बानी ना जे ठान लेला वो तो करबे करे लेकिन जे ठाने ला वो करेला अपना शर्त पर जिए वाला के कुछ कीमत चुकावे के बिल्कुल बिल्कुल तो लेकिन फिर एक अलग तरह से नाम बन जाला और हम चाहब कि इतना सुंदर विचार के बाद एक चलते चलते गीत से समाप्ति लेकिन एक बात हम, बा, अभी संस्कृति बचावे वाला बात होतला बिल्कुल 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 जरूर हमने के बजाम सा हम धर्मेश भाई खने जितना नौजवान हमने के देश के चाहे भोजपुरिया आदमी बाड़े उ लोग जरूर हमने के संस्कृति के बचाई भोजपुरिया संस्कृति के लेकिन अगर टेलीविजन के सामने केहू ऐसा छोकारी बैठल होके जौन तनी चाहे के तनी तनी मस्ती भरा कौन गीत हो जाए तो जाए जाए के बड़ा धर्मेश दीक्षित उनका खाते का सुनाई है कि बुढ़ावा जवन का लड़का भीहीन का हर बुढ़ावा जवन का लड़का भीहीन का हर इश्क में पागल है ध्यान से देख ले भैया 2008 के मॉडल है ध्यान से देख ले भैया 2008 के मॉडल है बुढ़ावा जवन पागल है ध्यान से देख ले भैया 2005 के मॉडल है ध्यान से देख ले भैया 2008 के मॉडल है पटना हो चाहे जइबो दिल्ली ऐसन सामान कहीं देखे के न मिली चाहे जइबो पटना हो चाहे जइबो दिल्ली
ऐसन समान कहीं देखे के न मिली ऊपर वाला के शोरूम से, ऊपर वाला के शोरूम से बीनल छाटल ध्यान से देख लए भैया 2008 के मॉडल 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 2008 के मॉडल 2008 के मॉडल धर्मेश भाई कैसा लागल ई बताओ तहरा कैसा लागल तहार करेजा में ठंडक पहुंचल कि ना हम अब एकदम हमार पाला पड़ गेल करेजा लेकिन धर्मेश भाई से हम भौजी ई पूछे के चाहते नहीं एकदम लास्ट अब समय आयल बा भैया के छोड़े के टाइम आ गेल बा कि ये कार्यक्रम बिहाने बिहाने में का बढ़िया लागल है जी आवेला परी गाँव हमने के देख के हमने के ए जब बाबू एनी है तो हम तो एकदम बता देते नहीं एकदम देख के हम लगन लागल हमरा के हम अपना घरे आके नहीं रहे नहीं जरूरी इलाहाबाद में लेकिन आज सब तो 25 साल पहले के याद हमरा आ गई गांव के अगर अच्छा लगल तो फिर आवे के वादा रुको जब बुलाए हम तब आई ई न भइल बा बिल्कुल तो आज आवे खातिर इतना बढ़िया जलवा बिखेरे खातिर और इनकरो थोड़ा सा करे जाके गुदगुदी शांत करे खातिर और बहुत 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 धन्यवाद हमरा तरफ से हमारे दर्शक लोगन के तरफ से इनका तरफ से पूरा बिहाने बिहाने टीम के तरफ से हमारा तरफ से सबके म्यूजिशियन के टेक्नीशियन लोग के पदाधिकारी लोग के सादर प्रणाम बा धर्मेश दीक्षित की तरफ से तो यहाँ के रनी है धर्मेश दीक्षित जी भौजी हमारे एकदम मिजाज मन मस्त कर देनी लेकिन अब चाहत नहीं कि मन मिजाज तनी मस्ती तो होत लेकिन बैठल बैठल घर में तहार मिजाज जब ज्यादा मस्त हो जाला ना तो हमरा तनी चिंता हो जाला कहीं लिया अब कौन मुसीबत आई कोनो मुसीबत नहीं हम चाहता नहीं दर्शक लोग भी चाहता था कि कहीं लिया चलते बैठे बैठे घूमे तू कहाँ लिया चलते आज बताओ तो हमारे ही प्रोग्राम में फिट रहेला पहले तहरा से झगड़ा फिर तहरा खातिर गीत संगीत रउआ सब खातिर भी और ओकरा बाद कहीं घुमावे के पड़बे करेला ओकरा बाद औरो प्रोग्राम फिट बा तहार बीमारी एगो ठीक करे अभी बीमारी के नाम भौजी मतलब अभी पहले कहाँ लिया चलो तरू जल्दी बताओ अभी हम लिया चल तनी तहरा के रउआ सभे के भी भोपाल मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के भोजपुर मंदिर आज हमर भौजाई बड़ा खुश बड़ी बड़ा हमरा पर मैंने दया दृष्टि दिखेले बड़ी आ चाहत रही आज हमने के भोजपुर मंदिर ना भोजपुर मंदिर भोपाल के भोजपुर हाँ भोपाल के भोजपुर मंदिर तो सब लोग बैठल बैठल घर में बिना मेहनत के चलल जाओ देखल जाओ भोपाल के भोजपुर मंदिर देश की राजधानी भोपाल से 28 किलोमीटर दूर स्थित बा ऐतिहासिक स्थल भोजपुर एकर स्थापना 11वीं शताब्दी में धार नरेश महाराजा भोज कैले रहन यही से यह स्थान का नाम भोजपुर पड़ गई एजा स्थित बा प्राचीन भोजेश्वर मंदिर भगवान शंकर के ई मंदिर संपूर्ण संसार में मशहूर बा ई एगो विशाल चबूतरा पे बनावल गेल बा ए आयताकार चबूतरा के लंबाई 106 फीट और चौड़ाई 77 फीट बा जमीन से इस चबूतरा की ऊंचाई करीब 17 फीट बा मंदिर के अपूर्ण छत करीब 40 फीट ऊंच बा मंदिर के अंदर एगो वर्गाकार चबूतरा बनल बा जे पर स्थापित बा दुनिया के विशालतम शिवलिंग जेकर ऊंचाई 7.5 फीट बा पुरातात्विक शोध के आधार पर कहल जाला कि मंदिर के छत के एगो बड़ पत्थर गिरला के बाद शिवलिंग के नीचे के शिलापट दो भाग में टूट गए रहे और सदियों तक ई मंदिर टूटल छत के नीचे खंडित ही रहल बाद में
खुलल छत के फाइबर ग्लास से ढक दिहल गई और सावधानी पूर्वक शिलापट्ट के जोड़ दिहल गई। पुरातत्व विभाग यह मंदिर के गौरव के बनाए रखे खातिर लगातार प्रयास कर रहा था। मंदिर के पिछला हिस्सा में स्थित ढलान के देख के ई अनुमान कैल जा सकेला कि मंदिर निर्माण खातिर यही ढलान के माध्यम से विशाल पत्थर निर्माण स्थल तक पहुंचावल गईल होके। एकर सबसे बड़ा खासियत ई बाकी एकर ज्यादातर भाग के निर्माण एक ही शिलाखंड के तराश कर कैल गईल बा। एकर वास्तुकला पर राजपूत कालीन शिल्प के स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता। पत्थर पर उकेरल गईल मूर्ति अपन निर्माण शैली में खजुराहो के शिल्प कला के याद दिलावेली। शाम के समय एहिजा होखेला भगवान शिव के दिव्य आरती। घंटा के आवाज और शंखनाद से गूंज उठेला एहिजा का पूरा वातावरण। इमें शामिल होके भक्त प्राप्त करेले एगो अपूर्व आध्यात्मिक आनंद। तो कैसा लागल रउआ सभे के भोपाल के भोजपुर मंदिर का हो? हाँ, कैसा लागल? हमारा बड़ी बढ़िया लागल है भोपाल के भोजपुर मंदिर। दर्शक लोग के भी बहुत बढ़िया लागल बा। लेकिन एगो और बात आ गई अब सामने ना। हम एगो बात कहे के चाहता नहीं, अगर तहरा अच्छा लागल थी तो हमरा पता लाग गई। अगर रउओ के अच्छा लागल घूम फिर के तो रउओ बताई एह माध्यम से। और यही बात पर ये बतिया हम कहे लड़ने, लेकिन तू छीन ले लू। हम तुम्हारा मुंह को देख के, जो कहते हैं ना मन की किताब मुंह को देख के पढ़ने वाला, अच्छा वो हम समझ जाते हैं नो। आप पढ़ जाती हैं? पढ़ते हैं। तो ठीक है, पढ़ाइए। ये पत्र देवरिया से हम लिखत बानी मनीष सिंह। आप सबन के बधाई हो जौनी भोजपुरी शुरू भइल बा। बहुत अच्छा लागेला बिहाने बिहाने देवर भौजाई के हंसी मजाक और देवर भौजी के गाइल गाना भी बड़ा अच्छा लागेला। उम्मीद बा आप लोग भोजपुरी के हर तरह के कार्यक्रम दिखाई जरूर दिखाई। मनीष जी जरूर दिखाई, ये हमार प्रयास बा और वादा बा रउआ से। का हो? अच्छा भौजी, मनीष जी हमने के घड़ी देखत नहीं, बड़ा एगो बीमारी तबाह कैले बटे। हे भगवान, इनका से पीछा छोड़ावा। हमार अगर बस चलित नू तो हम इनकर नाम अजीत आनंद के जगह आनंद हटा देते और टाइटल लगा देते अजीत मुहबंद। ना ना, एती अला बात नहीं के भौजी। बताओ तनी कि कमही के घरी बिक्री बड़ा कम हो गई बटे। रोड पर बहुत गंजा लोग घूमता। अगर लोग के बाल झड़े जैसे हमारे देखा बाल मुड़ी में रउओ लोग देख ली लो। अरे हो, ऊपर से कम भइल जाता अगुआ अब नहीं लगे से पक्का हो गई बा। आ घर में हमारा डॉक्टर तो कौना बात के दीरी। अगर रउओ लोग को तरह के ऐसा प्रॉब्लम बा, ऐसा समस्या बा तो हमारे भौजी इंग्लिश बोलो तो हम का हो? अरे हमरा बगल में बैठबा तो संगत से बहुत कुछ सीख। हाँ तो बताओ, अगर गंजापन के का बीमारी के का उपाय बटे? का उपाय बटे? वैसे बाल झरे के समस्या आज के समय में आम बा, बहुत आदमी के बा और तरह तरह के उपाय बा। लेकिन एगो उपाय बहुत कम लोग के पता हुई, हम वो उपाय बताता नहीं आज कि जहाँ भी बाल झड़े के शिकायत रहे सिर के जौन हिस्सा में, हरा धनिया के पत्ती के पीस के ओकर रस लगौला से बहुत फायदा होला और धीरे धीरे बाल जामे लगेला। बाह 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 डॉक्टर। तो एकरा साथ ही अब बुझाता के समय हो गेल बा विदा लेवे के। मन के करेजा के थाम लो अजीत, अजीत मोहबंद जी। भौजी आज हम ना जाए, आज हम प्रोग्राम सोचते नहीं कि बढ़ा दल जाओ टाइम कर। ये तो संभव नहीं खे अजीत, का करी हमरो मन छटपट करता। लेकिन रवो सब के काम पर जाए के हुई मन तो हरियाइये गई, ताजा तरीन हो गई हम सब के। और कल यह समय में फिर रउआ समय से मुलाकात हुई असही बहार लेके साथे साथ अजीत के और विजया के। दी इजाजत, नमस्कार।